भाभी भाभी बोलो, आते ही चलाना शुरू कर दिया ना तुमने। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माँ से कपड़े धुलवाने की? अपने कपड़े खुद नहीं धो सकती तुम? मेरे बाप के घर पे ना वॉशिंग मशीन थी, मुझे हाथ से कपड़े धोने नहीं आते। अगर वॉशिंग मशीन की औकात नहीं ना आप लोग, तो फिर कपड़े आपको खुद ही धोने पड़ेंगे। जो काम तुम अपने मायके में नहीं ना सीख के आई, वो ससुराल में सीखो। ये सास है तुम्हारी, कोई नौकरानी नहीं जो तुम अपने पर्सनल काम इनसे करवा रही हो। अरे मैडम, तुम होती कौन हो मुझे ये बताने वाली कि ये करो और वो करो? मैं इस घर की बेटी हूँ और मेरा पूरा हक बनता है तुम्हें समझाने का। तुम ही अपना एटीट्यूड ना अपनी माँ और अपने भाई को दिखाना। मैं यहाँ किसी का हुक्म सुनने नहीं आई, मैं करोड़पति बाप की अकलौती लाड हूँ। मैं भी अपने अरबपति ससुर की अकलौती बहू हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं अपनी तरबियत भूलकर अपनी सास ससुर की इस तरह इंसल्ट करूँ। किस चीज का शोर है? अरे बहन, तुम का भाई? भाई आपको पता है भाभी माँ से अपने कपड़े धुलवाती है। तो ये चुप हो जा, क्यों बोली जा रही है? भाई माँ इनके कपड़े क्यों धोए? और भी न जाने पता नहीं क्या क्या कराती है माँ से। माँ, जो बहन कह रही है क्या वो सच है? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई इस उम्र में माँ से ये सब करवाते हो? तुम इस घर की बहू हो, तुम्हारा भी कुछ फर्ज बनता है कि नहीं बनता? चिल्लाओ मत। वैसे भी मैं इस घटिया से घर पे आने के लिए तैयार नहीं थी, और तुम ही ने मेरे आगे हाथ जोड़े थे कि यार आई प्रॉमिस तुम इस घर में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तुम्हें सब इस घर में बहुत प्यार और इज्जत देंगे। इज्जत दे रही है तेरी बहन मुझे? ऐसा क्या गलत कह दिया मेरी बहन ने तुम्हें? तुम इस घर की बहू हो, क्या अकेली मेरी माँ ही सारा काम करे? तुम्हारा कोई नहीं हक बनता काम करने का? तुम भी तो उनके साथ तो मिलके काम कर सकती हो ना? ना ही इस घर में वॉशिंग मशीन, ओवन और ना ही एसी, और तुम लोगों की तो इतनी औकात नहीं कि एक नौकरी अफोर्ड कर लो। कहा भी था मेरे बाबा ने जो जरूरत का सामान है मैं भिजवा देता हूँ, लेकिन नहीं, तब तो तुम लोगों की आना बीच में आ रही थी, कह रहे थे बहू के घर का सामान नहीं लेंगे। क्या तुमने कभी सोचा भी है मैं इस हालात में कैसे रहूंगी? तुम्हें मेरे घर के हालात का पहले ही पता था, अब इन बातों का क्या फायदा? तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा। भाई आप सही कह रहे हो, हालात चाहे जैसे भी हो, बहू को अपने हालात से भागना नहीं चाहिए, हालात के साथ एडजस्ट करना सीख लेना चाहिए। भाभी आप भी जितनी जल्दी ये सीख लोगी। बहुत बोल लिया तुमने, मैं यहाँ जैसे भी रहूँ ये मेरा घर है, तुम्हें से क्या? जब तुम इस कबूतर खाने को छोड़ के चलेगी तो अब क्या लेने आई हो इस घर में? ये घर जितना तुम्हारा है ना उतना मेरा भी है, और मुझे इस घर आने से कोई नहीं रोक सकता। अदनान, इज्जत से ऐसे कहो इस घर से चली जाए और दोबारा इस घर पे आने की कोई जरूरत नहीं। बहू की कह रही है। अदनान, अगर ये इस घर से ना लगी तो मैं चली जाऊंगी अपने बाबा के घर। बहू इंजना को ये भी इस घर दी इन्हें पूरा हक है, मैं एक माँ होने के नाते इन करो किसना कर सकनी हूं। एक्टिंग तो बहुत अच्छी कर लेती हैं आप, बेटी से तो आपको बहुत प्यार है, जब यही बेटी आपकी बहू पे चला रही थी तब तो आप नहीं बोली जरा भी। रहने दे माँ, समझाया उसे जाता है जिससे कोई उम्मीद। यही बेइज्जती करवाने के लिए मेरे से शादी की थी तुमने, भेजो इसे यहाँ से। बहन हमने तुम्हारी शादी करवा के अपना फर्ज निभा दिया, अब तुम्हारा इस घर पे कोई हाथ नहीं, प्लीज जाओ तुम और इस घर में अब दोबारा कभी मत आना। हो तुम अभी तक यहाँ खड़ी हो, सुना नहीं तुम्हारे भाई ने क्या कहा? हाँ, मेरी बहन अब इस घर में कभी भी नहीं आएगी और तुम भी अपने बाबा के घर कभी नहीं जाओगे। ये क्या बकवास कर रहे हो? वो मेरे बाबा हैं, मुझे उनके घर से जाने से कोई नहीं रोक सकता। वो मेरे बाबा हैं और मैं तुम्हारे कहने पर उनका घर नहीं छोड़ सकती। और वाह, तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारे कहने पर अपनी बहन से रिश्ता तोड़ लूंगा? मैं इस घर में नहीं रह सकती और तुम्हारे लिए भला यही होगा तुम भी मेरे साथ चलो, कम अज कम उधर किसी का हुक्म तो नहीं सुनने को मिलेगा। तुमने जाना तो जाओ, मैं तो अपनी माँ और बहन को छोड़ के नहीं जाऊँगा। बहुत पछताओगे एक दिन तुम, इस घर में रखा ही क्या है जिसके लिए तुम मुझे जवाब दे रहे हो? तुम अपनी खुशियाँ पैसों से तोड़ते हो, लेकिन मेरे लिए मेरी फैमिली ही सब कुछ है। मुझे ये लगा था कि मैं अपने प्यार से तुम्हें बदल सकता हूँ, लेकिन नहीं, तुम्हें प्यार की जुबान नहीं तुम्हें पैसे की जुबान समझ आती, क्योंकि तुम एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद हो। और मैं तुम्हारे बाप को अभी फोन करके बोल देता हूँ कि तुम्हारी बेटी हमेशा के लिए आ रही है। रुक जाओ अदनान, अदनान प्लीज ऐसा मत करो। भाभी तुम मेरी बहनों जैसी हो और मैंने जो कुछ भी कहा तुम्हें अपना समझकर कहा, लेकिन इतनी सी बात पर घर छोड़ना कोई अच्छी बात थोड़ी है। बहू तेन मैं अपनी बेटी समझा, तेन हमेशा गिले रहने साडे कोल तेन देन वास्ते पैसा तो नहीं लेकिन प्यार बहुत है। सॉरी माँ जी, मुझे आपसे ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। अदनान से शादी का फैसला मेरा अपना था और मुझे इससे निभाना चाहिए था, जाने अनजाने में मैंने आप सबको बहुत बुरा बुरा कह दिया। आज से आप लोग ही मेरी फैमिली हो। माँ जी आप मुझे घर का काम सिखाएंगे ना? हाँ सिखाऊंगी।